तुम चंदन हम पानी, कुछ ऐसा ही रिलेशन है वेक्टर और फिजिक्स के बीच। तो आज आपके बीच वेक्टर को थोड़ा सा अलग तरीके से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश। ओके, सबसे पहले वेक्टर है क्या, ये तो सबके जहन में है। जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है उसे वेक्टर कहते हैं। सच एंड सच, नीड ऑफ वेक्टर वगैरह आप थोड़े से बुक से थ्योरी पढ़ लीजिएगा। आज रिप्रेजेंटेशन से लेकर के और उसके प्रेजेंटेशन तक की बात करेंगे। अभी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन की बात जब करें तो ए वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेडेड लाइन सेगमेंट। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट मान लीजिए कि ए और बी है। इसमें अगर एरो दे दिया तो ये बन गया वेक्टर ए बी, जिसको लिखने का तरीका होगा ए और बी के ऊपर हेड एरो। याद रखेंगे पहला पॉइंट अगर लिख रहे हैं तो ये इनिशियल पॉइंट होगा और दूसरा पॉइंट जो होगा फाइनल पॉइंट होगा, अगर टू पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं तो। कभी कभी इसी वेक्टर को किसी और लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, पूरे को ए वेक्टर बोल देते हैं। तो यहाँ पर ए वेक्टर, तो वहाँ पर डायग्राम देख करके आपको समझना होगा कि इनिशियल पॉइंट कौन सा है और फाइनल पॉइंट कौन सा है। तो यहाँ पर दो पार्ट हैं, एक तो लेंथ ऑफ ए बी और दूसरा एरो ऑफ ए बी। लेंथ जो है वो रिप्रेजेंट करेगा आपको मैग्नीट्यूड, अगर लेंथ कम है तो मैग्नीट्यूड कम है और लेंथ ज़्यादा है तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर वेक्टर है, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग में मैंने दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर दिया। ऑल दो दोनों का एरो सेम है, लेंथ ज़्यादा होने से नीचे वाला वेक्टर ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है। अगर वेक्टर की बात करें, एक एग्जांपल फोर्स ले लेते हैं, अगर आपने 10 न्यूटन फोर्स को इस तरह से डिनोट किया है तो ओबियस है कि 20 न्यूटन फोर्स जो होगा इसके डबल जितना है उसके डबल लेंथ का होगा। अगर आप डबल लेंथ नहीं भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये ज़रूर रिप्रेजेंट करेंगे बड़े वेक्टर का लेंथ उससे छोटे वेक्टर से ज़्यादा हो। ओके, ऐसा कभी नहीं होगा कि दो वेक्टर डिफरेंट मैग्नीट्यूड के दिखा रहे हैं और दोनों का साइज आप इक्वल दिखा दें। कई बार स्टूडेंट से या टीचर से भी ये मिस्टेक हो जाता है। खैर, इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा और एरो जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, एक और बात, कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर हमारे पास ये वेक्टर उल्टा हो जाए, ठीक है, इधर ए और इधर बी हो जाए, तो वैसे केस में क्या करें, हम यहाँ पर एरो उल्टा कर दें क्या? नहीं, एरो उल्टा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर एरो वही रखें जो पहले रखे थे, बस पिक्चर में क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि डायरेक्शन पहले से अपोजिट है और इस बार भी इनिशियल पॉइंट पहले है और फाइनल पॉइंट बाद में। ऑलवेज ये मेंटेन करना है अगर टू पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं तो, और सिंगल पॉइंट में लिख रहे हैं तब तो वहाँ डायग्राम देख करके ही क्लियर होगा कि उसका डायरेक्शन किधर है और कितने मैग्नीट्यूड का है। ओके, सो ये बातें आपको समझ लेनी है इनिशियली। रह गई बात नेक्स्ट बोर्ड में जो लिखा हुआ टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के बहुत सारे टाइप्स हैं। ओके, हम सभी वेक्टर के टाइप को अभी नहीं बताएंगे, ये बुक से पढ़ करके आप समझ सकते हैं। हाँ, यहाँ जो वेक्टर के टाइप्स हम बताना चाहेंगे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमको लगता है, सबको अलग अलग पार्ट इम्पॉर्टेंट लग सकता है, मुझे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है और शायद फिजिक्स में वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भी, वो है पहला नल वेक्टर। ओके, तो नल वेक्टर या इसको जीरो वेक्टर भी बोलते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको समझना फिजिक्स में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो। ओके, यहाँ पर इसका साफ है डेफिनेशन, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड नल वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाय, कभी नोटेशन चेंज कर सकते हैं लेकिन जनरली डिनोटेड बाय जीरो के ऊपर वेक्टर। और एज आपको बोला गया कि
कि नल वेक्टर का जो मॉडुलस होगा वो जीरो होगा। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि h मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर इज जीरो, इट्स डायरेक्शन कैन नॉट बी स्पेसिफाइड। वाह, अब तक बोलते आ रहे थे जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा उसको वेक्टर बोलेंगे, और ये कहाँ फंसा दिया हम लोगों को। अब आप बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड है नहीं तो डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तब तो आपके मन में ये बात होगी कि ऐसे वेक्टर का क्या यूज, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो यही मैंने बोला कि इस वेक्टर को थोड़ा सा पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल सिग्निफिकेंस। ओके, एक पॉइंट से शुरू करते हैं किसी बॉडी को मूव करना। मान लीजिए स्ट्रेट लाइन पाथ में वो ट्रेवल कर रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला गया। ओके, इसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को एस वेक्टर डिनोट कर दिया जैसा रिप्रेजेंट करना था, और इसी ऑब्जेक्ट ने वापसी भी कर ली, वापस पॉइंट ए पे चला आया। देखिए ये इनिशियल पॉइंट था और ये फाइनल पॉइंट था। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में दिखाना चाहते हैं तो इसको माइनस एस वेक्टर लिखना पड़ेगा। अब नेट डिस्प्लेसमेंट की बात कीजिए तो नेट डिस्प्लेसमेंट एस नेट वेक्टर इज इक्वल टू, दो वेक्टर है तो आपको लिखना पड़ेगा एस वन वेक्टर प्लस एस टू वेक्टर। एस वन में पहला ये है यानी एस वेक्टर प्लस माइनस एस वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट लिखने वाले लोग यहाँ से रेफर कर सकते हैं, वो जीरो लिख सकते हैं। लेकिन अब आपके पास कन्फ्यूजन क्या है, एस वेक्टर ये तो वेक्टर क्वांटिटी है और जीरो में केवल मैग्नीट्यूड है, और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है मतलब क्या है, स्केलर है। तो अब आप यहाँ पर दिखाना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं, ये स्केलर। अब आपसे सिंपल ये क्वेश्चन है कि कैन ए स्केलर इक्वल टू वेक्टर, ठीक है। तो वापस चलिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी में ये बताया गया था कि द क्वांटिटीज विच आर टू बी एडिड सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड मस्ट हैव सेम डायमेंशन सेम यूनिट एंड सेम नेचर ऑल्सो। यहाँ तो नेचर ही बदल गया, एक वेक्टर है दूसरा स्केलर है। तो अगर हम नल वेक्टर को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो ऐसे सिचुएशन में हमको दिक्कत आएगी। और आप जान लें कि अगर एक वेक्टर से वेक्टर माइनस करते हैं तो रिजल्ट आपको वेक्टर ही मिलेगा, यानी आप ऐसा लिखेंगे। यानी एस नेट के ऊपर अगर आपने वेक्टर दिया तो लिखना आपको ये है। आप अगर चाहते हैं कि नहीं मैग्नीट्यूड लें तो यहाँ एस नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखें तो यहाँ पर जीरो का मैग्नीट्यूड लिखें, तो दैट इज एस नेट इज इक्वल टू जीरो। हाँ अब सही है, अब ये सही है क्योंकि इसके ऊपर वेक्टर नहीं है, ये मैग्नीट्यूड बन गया, मैग्नीट्यूड ही स्केलर और ये भी स्केलर हो गया, तो यहाँ सही है। ऐसे सिचुएशन में ये पहला सिचुएशन मैंने बता दिया कि अगर नेट डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है तो एस नेट वेक्टर जब भी आप लिखोगे तो एस वेक्टर प्लस माइनस एस वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर, ये सही एक्सप्रेशन है, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। दूसरी बात, अगर दूसरे एग्जाम्पल को हम लोग ले लें, सपोज कर लीजिए सेकेंड एग्जाम्पल में कि एक ऑब्जेक्ट यहीं पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट पे ही है, चला ही नहीं, नहीं चला तो इसके स्पीड की बात करेंगे तो जीरो, चलिए रेस्ट में है स्पीड जीरो, कोई बात नहीं। अगर ये चल दिया तब तो इसके पास स्पीड आएगा, लेकिन अब इसका वेलोसिटी वेक्टर दिखाना हो तो जीरो लिखेंगे तो गलत है, जीरो लिखेंगे तो गलत है क्योंकि इधर वेक्टर इधर स्केलर, तो यहाँ पर नल वेक्टर लिखिए।
यही क्वेश्चन रिवर्स करके अगर आपसे पूछ दिया जाता कि पॉइंट ए पे बॉडी का वेलोसिटी कितना है, तो पॉइंट ए पे नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी भी जीरो होगा। तो यहाँ पर जीरो नहीं दिखा करके उसको जीरो वेक्टर, नल वेक्टर दिखाएंगे। थर्ड पॉइंट ले लीजिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से किधर चला, ठीक है, और इसके पास यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है ना, चलिए डायरेक्शन एक ले रहा है तो वी कांस्टेंट, ओके, ऑब्वियस है कि वी वेक्टर भी कांस्टेंट होगा। अभी इसके एक्सीलरेशन को दिखाना चाहें, एक्सीलरेशन वेक्टर, बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल आल्सो बी जीरो, तो यहाँ पर अगर जीरो लिखते हैं ऐसे केस में एक्सप्रेशन वन सेकेंड आपका रॉन्ग हो जाएगा। एक्सप्रेशन को सही करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर वेक्टर देना होगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल में सपोज कीजिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर इसका जो एक्सीलरेशन वेक्टर है वो जीरो है, या एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जीरो है। अभी मास इनटू एक्सीलरेशन करेंगे तो भी जीरो होगा, यानी एफ जीरो, ये न्यूटन सेकेंड लॉ है। लेकिन मास इनटू एक्सीलरेशन न्यूटन सेकेंड लॉ में आगे चल करके पढ़ेंगे वो केवल फोर्स नहीं, नेट फोर्स के बराबर होता है। और एक बात और भी जान लीजिए कि फोर्सेस को आइसोलेट करना इम्पॉसिबल है, फोर्सेस को सेपरेट करके नहीं दे सकते, फोर्सेस ऑलवेज ऑकर इन पेयर, ये भी बात होगी। तो अकेले सिंगल फोर्स नहीं लिख सकते। अब इस पर हो सकता था कि मल्टीपल फोर्सेस है ना डिफरेंट डायरेक्शन से लग रहे होते, है ना, कोई एफ वन होता, कोई एफ टू होता, कोई इसी तरह से एफ एन होता, डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहे होते, ओके। तो ऐसे केस में एफ नेट निकालना है, तो एफ नेट के लिए आपको वेक्टर साइन देना होगा, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, उसका एडिशन भी वेक्टर के तरीके से होगा। तो यहाँ से एफ नेट, एफ एन वेक्टर कर लिया आपने, इज इक्वल टू जीरो। ये एक्सप्रेशन लास्ट वाला गलत होगा, क्योंकि वन सेकेंड इस साइड वेक्टर है, इधर स्केलर है, आपको यहाँ वेक्टर देना होगा। एवरी पॉइंट पे आपको वेक्टर है तो वेक्टर के साथ इक्वेट करना होगा। तो ये नल वेक्टर का सिग्निफिकेंस हो गया। नल वेक्टर के कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं जो आपको दिमाग में रखना है, कभी ज़रूरत पड़े तो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर नल वेक्टर को किसी भी वेक्टर के साथ जोड़ेंगे तो सेम वेक्टर आएगा। नल वेक्टर को अगर किसी भी वेक्टर के साथ जोड़ेंगे तो सेम वेक्टर आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी जो है, अगर नल वेक्टर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नल वेक्टर ही होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है, अगर जीरो किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो नल वेक्टर होगा। और चौथी प्रॉपर्टी, अगर लैम्डा इनटू ए वेक्टर इज इक्वल टू म्यू इनटू बी वेक्टर, जहाँ पर लैम्डा और म्यू दो रियल नंबर हैं, ओनली पॉसिबल इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नल वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नल वेक्टर्स। तो नल वेक्टर का फिजिक्स में अपना इंपॉर्टेंस, अपना सिग्निफिकेंस है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। नल वेक्टर के बाद हम लोग एक और वेक्टर की बात कर लें, ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको तो बार बार हमको डील करना पड़ेगा जब भी आप फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे। मैंने बोला भी कि रिलेशन कुछ तुम चंदन में पानी जैसा है। तो यह है आपका यूनिट वेक्टर, अगर इसको डिफाइन करेंगे तो ये भी सेम वे में डिफाइन होगा, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड
इज वन मतलब यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. इट इज डिनोटेड बाय, इसको अगर डिनोट करने की बात आएगी, आर कैप, ए कैप, बी कैप, सी कैप, डॉट डॉट, आई कैप, जे कैप, के कैप. कोई भी लेटर के ऊपर अगर कैप लगा हुआ है, स्मॉल या कैपिटल, तो वैसे केस में आप बोल सकते हैं कि वो यूनिट वेक्टर है. इसी में से कोई एक नोटेशन चूज कर लेते हैं तो ए कैप का मॉडुलस आपको वन हो जाएगा. और यहाँ साफ है कि एज मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज वन, इट इज डिजाइंड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन ओनली. अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, स्पेसिफाई करना है, तो आप यूनिट वेक्टर का हेल्प लेंगे. ओके, अभी थोड़ा सा और इसमें कुछ रह गया है. बुक तो इतना ही बताता है, इससे आगे की बात, इसके आगे की कहानी शेयर कर लेते हैं आपसे. देखिए, अभी आपको अगर कोई लाइन मतलब लेंथ मिल गया और उसके साथ आपको एरो मिल गया, दोनों को ऐड कर दिए तो आपको ये सिंबल मिलेगा. ओके, ये क्या मिला? वेक्टर. अगर इसको डिनोट करना है तो आप ए या ए वेक्टर का मोड, क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड है, डिनोट कर सकते हैं. इसको डिनोट करना है ए कैप से डिनोट कर सकते हैं, और ये अगर डिनोट करेंगे तो ए वेक्टर से. चलिए इस रिलेशन को ज्वाइन कीजिए. ज्वाइन कीजिएगा तो ए, ए कैप या ए का मैग्नीट्यूड ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर. और थोड़ा सा इससे आगे बढ़ें तो ए कैप इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ए वेक्टर बाय ए या ए वेक्टर बाय ए का मॉडुलस. ये जो लास्ट वाला रिलेशन है, एक बार फिर से आपको डिफाइन करके बता देगा यूनिट वेक्टर को. अगर आपको यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है तो इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिट वेक्टर इज द रेशियो ऑफ ए वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड. ओके, आप दो डिफरेंट वे में लिख रहे हैं. मैंने बोला कि इसका यूज केवल डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने में होगा, मैग्नीट्यूड का इसका साथ कोई लेना देना नहीं है. देखिए वो कैसे, अगर आपने एक वेक्टर को ए वेक्टर रिप्रेजेंट किया तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस मच इज इक्वल टू ए. अब आप एक काम कीजिए, दूसरा जो रिप्रेजेंट किए हैं उससे भी मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए. मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ए कैप इज इक्वल टू ए, ए कैप का मॉडुलस. ए ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ही था, वो तो बाहर आ जाएगा. और ए कैप की बात की, वो मॉडुलस साइन के अंदर रिजल्ट उसका वन हो जाएगा, ए इंटू वन दैट इज इक्वल टू ए. सो यूनिट वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करने पे भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ. तो अगर आप सीधे वेक्टर विथ डायरेक्शन लिखते हैं सही है, वेक्टर यूनिट वेक्टर के साथ एसोसिएट करके लिखते हैं वेल एंड गुड. लेकिन ये अगर आप लिखते हैं, ठीक है, ये दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल टू ए, ए कैप, इसमें आपको साफ दिखेगा, झलकेगा कि मैग्नीट्यूड कितना और डायरेक्शन किधर. बट अगर आप सिर्फ ये लिखते हैं तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दूध और पानी की तरह मिला हुआ है, जिसको सेपरेट करना नॉर्मल तरीके से पॉसिबल नहीं है. ओके, तो ये एक्सप्रेशन लिखना आपके लिए फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छा है. अब इसके बाद
आपको एक और चीज बता दें, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास तीन एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड। ओके, अगर इसको ड्रॉ करते हैं तो इसको ड्रॉ कर लीजिए। हाँ, दो को ड्रॉ करना तो बड़ा आसान है। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तीसरा एक्सिस ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि तीसरा एक्सिस कुछ ऐसा होता है। ओके, और इसको हम लोग नॉर्मली इस तरह से ड्रॉ करके दिखाते हैं। हमारे पास लिमिटेशन है कि हमारे पास टू डायमेंशनल बोर्ड है, 3D शो करना इस पर इम्पॉसिबल है, और जो भी पिक्चर देखेंगे वो 2D ही देखेंगे, टू डायमेंशन में ही देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ये जेड एक्सिस जो इधर झुका के दिखा रहे हैं, हम एक्स और वाई के बारे में तो श्योर है, 90 डिग्री है। अभी आप जेड एक्सिस के साथ एक्स का एंगल भी देख लीजिए, ये भी 90 ही है। ओके, ये भी एंगल 90 ही है, और अगर वाई और जेड के साथ देखेंगे तो ये भी आपको 90 ही होगा। तो तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं। तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए आपको फिक्स है, क्या फिक्स है, एक्स की तरफ जो यूनिट वेक्टर लेंगे आई कैप लेंगे, वाई की तरफ जो यूनिट वेक्टर लेंगे वो जे कैप लेंगे, जेड की तरफ जो यूनिट वेक्टर लेंगे वो के कैप लेंगे, आई जे के। अगर मान लीजिए किसी ने एक्सिस को चेंज कर दिया, प्लट दिया, बदल दिया, ओके, यहाँ से एक्स लिया, यहाँ से वाई लिया, यहाँ से जेड लिया, कोई बात नहीं, आप ले सकते हैं, ऐसा एक्सिस आपका चॉइस है, लेकिन ये रिजर्व है कि आई कैप आपको एक्स एक्सिस के लिए, जे कैप आपको वाई एक्सिस के लिए, और के कैप आपको जेड एक्सिस के लिए। ओके, तो ये यूनिट फैक्टर, अब इससे फ़ायदा क्या है वो अभी थोड़ी देर में समझाने की कोशिश करें फिर से। जैसे मैंने ये आपको, आपके लिए बनाया, कोई भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ओके, अगर सपोज कीजिए कि कोई बंदा एक्स एक्सिस की तरफ 5 मीटर चलता है, ठीक है, तो हम क्या करें, उसके लिए क्या लिखें, 5 मीटर मैग्नीट्यूड हो गया, हम उसके लिए 5 मीटर लिख लेते हैं। चलिए यूनिट याद रखेंगे, एक्स एक्सिस की तरफ क्या है, इसीलिए इसका वेक्टर आई कैप होगा। उसके बाद से उसने मान लीजिए कि कोई टर्न लिया, सपोज कीजिए कि लेफ़्ट टर्न ले लिया और 3 मीटर और चला, लेफ़्ट टर्न लेने के बाद से, यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेने के बाद से जो चलने की बात है वो देखिए, ग्रीन पेन मतलब वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की तरफ चला, तो इसमें +3 जे कैप कर दीजिए, क्योंकि वाई एक्सिस के लिए। अब 3 मीटर चलने के बाद से उसको एक स्टेयर मिला, और स्टेयर मिलने के बाद वो ऊपर जेड एक्सिस की तरफ 2 मीटर चला गया, तो हम इसको +2 के कैप कर लें। अभी स्पेस में वो जहाँ भी है क्लियरली लोकेट होगा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ओके, यूनिट वेक्टर इतना स्ट्रांग है। अब सोचिए, अगर मान लीजिए कि वो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा था, लेफ्ट टर्न नहीं लेकर के राइट टर्न लेकर के 3 मीटर चला होता, तो उसका जो पोजिशन वैक्टर बताते 3i-3j। और वहाँ जाने के बाद हो सकता है कि उसको एक कुआं मिल गया और उसमें वो गिर गया या छलांग लगा दिया, 10 मीटर नीचे चला गया, कोई बात नहीं, -10 kcap। अभी वो यहाँ पर है, इस लोकेशन को भी आप ओरिजिन से मिला दीजिए, आपको उसका लोकेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर अगर आप सीख लेते हैं तो किसी को भी लोकेट करना पूरे स्पेस में, उसके कोऑर्डिनेट बताना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। थैंक यू।